नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल टीवी और मैं हूं दीपक मेहदिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल गोल टीवी को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए नो कॉपीराइट वीडियो, किसी भी सॉन्ग या मूवीज का नो कॉपीराइट वीडियो कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए आज उसके बारे में पूरे बात करेंगे। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि आपको उनका वीडियो देखते हैं लेकिन उसमें पता नहीं चलता है कि किस तरह मतलब वीडियो यूज करते हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह कॉमन क्रिएटिव से मतलब नो कॉपीराइट वीडियो लेते हैं, लेकिन इसमें उससे अलग हट के तरीका बताएंगे। इसमें किस तरह बताएंगे वो आप पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, स्किप कीजिए तो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें। रोस्ट रिएक्शन का वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग को देखते होंगे कि सिर्फ बैठकर उसका रिएक्शन वीडियो आते रहता है, तो वो है जो नो कॉपीराइट और ऐसे ही उसमें नो कॉपीराइट आता है। लेकिन हम रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो इसमें ओरिजिनल वीडियो दिखाना पड़ता है कि क्या बोल रहा है या क्या गाना है या क्या मूवीज़ का सीन है। तो इसके लिए आपको 10 सेकेंड से नीचे का वीडियो, किसी भी सॉन्ग को 10 सेकेंड अगर रोस्ट वीडियो देखते होंगे तो उसमें 10 सेकेंड से ज़्यादा वीडियो नहीं यूज करते हैं। आपको भी किसी भी वीडियो को यूज करना है 8 से 9 सेकेंड का वीडियो यूज करेंगे तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। किसी भी न्यूज़ वगैरह के लिए जो माना गया है कि आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए रोस्ट में भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं। 8 से 10 नहीं, 8 से 9 सेकेंड का, 10 सेकेंड से नीचे ही रखिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए किसी भी वीडियो को अगर आप 9 सेकेंड का काट कर और क्लिप लगाते हैं तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। तो जाइए आप भी और उस तरह का वीडियो बनाइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, वो वीडियो जाकर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।